रेसिपी में हमारे भेल है। देखिए, भेल के लिए सामान, कुरमुरा, नमक, काला नमक है, चाट मसाला, सिंगदाना है, उसको मूंगफली बोलते हैं, पालक के हम सेव लिए हैं और एक कटा दो मिर्ची है, धनिया की पत्ती है, और ये देखिए हम थोड़ा छिलका उतार करके चने डालेंगे और आधा एक मीडियम कटा हुआ टमाटर है ये, और बारीक सेव है और नींबू है। और आइए हम शुरू करते हैं। अगर इस तरह बनाएंगे तो बाहर का ही खाना भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप एक बार बना के तो ज़रा देखिए। चलिए शुरू करते हैं अगली रेसिपी। देखिए, फटाफट आधा है यानी ओनियन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये प्याज है, और हम टमाटर डालेंगे और डालेंगे ये थाली में, और हम डालेंगे अभी नींबू का रस, एक डाल देंगे नींबू का रस, और इसका बीज जो है तो हम पहले से निकाल लेंगे। देखिए, एक आध निकल गया तो उसको निकाल लेते हैं, आधा नींबू का रस निचोड़ते हैं, और हम डालेंगे अभी ये कुरमुरा। कुरमुरा हमने रोस्ट करके ले लिया है, और ये डालेंगे चना भुना हुआ, छिलका उतार दिया है, और ये देखिए सिंगदाना भून करके ले लिया है यानी मूंगफली, और सेव, और हम पहले मिक्स करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। चलिए अभी हम थोड़ा एक स्पून चाट मसाला डाल देते हैं, और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं, और सेव थोड़ा बारीक वाला सेव, और इसको हम मिक्स करेंगे, और धनिया की पत्ती डालेंगे। देखिए, अच्छे से मिलाएंगे इसको। इस तरह का भेल बना के खाएंगे तो आप बाहर कहीं भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी भेल बनता है। अपने घर में बनाइए, शुद्ध बहुत सफाई से बनता है, बच्चे लोग खाएंगे। देखिए, इतना अच्छा भेल बन के तैयार हो गया है, अभी आप देख लीजिए आपके सामने। देखिए, अभी हम आधा स्पून नमक डालेंगे और आधा स्पून काला नमक डालेंगे, और सब अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए, जितना आपको चाहिए उतना डालिए, तीखा जितना लगेगा उतना आप कर लीजिए। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।